गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये संडे का क्लिप है, मतलब कल का क्लिप है। कल सुबह मैं ना थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि एवरी संडे क्या हो रहा था मेरे साथ, रिलैक्स का चक्कर में एवरी संडे मेरा लेट हो जा रहा था। मतलब 7:30-8 हो जा रहा था। सब कोई एक्चुअली लेट ही उठता है संडे को घर में मेरा, तो मैं भी लेट ही उठ रही थी। इससे क्या हो रहा था कि चाय पीने में लेट हो रहा था, और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट भी लेट कर रहे थे हम लोग, और उसके साथ साथ लंच करते करते। पिछले संडे तो एक्चुअली हम लोग 3:30-4 बजे लंच करके उठे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इस संडे तो मुझे जल्दी उठना है, तो इसलिए मैंने इस संडे थोड़ा सा जल्दी उठ गई। मैं एक्चुअली 5:30 का अलार्म लगा के सोई थी, तो 5:30 तो मैं उठ नहीं सकी थी, तो मैं इसलिए क्या कि 6:15 तक, अभी 6:15 हो रहा है, मैं उठ के नीचे आ गई हूँ, क्योंकि मैं पानी पी चुकी थी और आलस आ रहा था थोड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे चलते हैं, फ्रेश होते हैं और भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। क्योंकि हर सुबह उठ के मैं फ्रेश होके सबसे पहला काम यही होता है कि भगवान जी को मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्रणाम करती हूँ और भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं कल रात को जैसे सोई थी उठ के सब कुछ वैसा का वैसा ही मिला। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है कि भगवान जी के पास हम लोग को थैंकफुल होना चाहिए, तो इसलिए मैं हमेशा सुबह उठ के ही पहले और दिन भी बहुत अच्छा जाता है एक्चुअली गाइज, कि सुबह उठ के ना मन का एक शांति मिल जाती है। तो चलो वो सब तो हो गया मेरा, तो प्रॉपर पूजा मैं सुबह में नहीं कर पाती हूँ, लेट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली सुबह उठ के मैं भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ। तो बस वो सब करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, कोई उठा नहीं था, तो मैंने सोचा कि बास्केट जो मतलब फुल ऑफ बर्तन हो गया था, ये धोए हुए बर्तन है, तो ये बर्तन सारे जगह पे मैं सेट कर दूँ फ़िलहाल के लिए ना। ये वाला बालकनी का जो कोना है वहीं पे मैं अपना बर्तन का रैक रखी हूँ, तो इसलिए क्योंकि किचन में मेरा ना एकदम जगह नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए मैं यहीं पे रख देती हूँ। और इसके साथ ही अभी मैं डिश वॉशर लोड कर दूँगी। अच्छा, कोई सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहा था, दी आप ऊपर शिफ्ट हो गए हो क्या, नीचे कोई टेनेंट वगैरह या कुछ है जो आप नीचे एकदम नहीं चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जो है वो आप लोगों के साथ कुछ दिन बाद मैं शेयर कर दूँगी। फिलहाल तो, और आप लोग मेरा फैमिली हो, मतलब YouTube फैमिली, वर्चुअल फैमिली हो, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना होगा ही मुझे, मतलब शेयर करूँगी ही करूँगी, फैमिली मेम्बर से क्या छुपाना। लेकिन अभी नहीं बता सकती मैं क्यों मैं ऊपर शिफ्ट हुई हूँ, कुछ दिन जाने दीजिए, मैं खुद से ही बता दूँगी। तो फिलहाल मैं वो सारा काम करने के बाद वापस से आ गई हूँ किचन में। चाय चढ़ाने के पहले ना यहाँ पे कुछ काम मेरा पेंडिंग था, मतलब जो धुले हुए बर्तन थे कुछ वो सारे जगह पे सेट करना था मुझे, मतलब रीसेट करना था। और कल रात को चावल आया हुआ था, तो डिब्बा मुझे, मतलब चावल का जो बॉक्स होता है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो डिब्बा ही बोलते हैं, चावल की जो जगह है उसको फिल करना है, एक्चुअली रिफिल करना है, क्योंकि वो खाली हो चुका है, तो उसको मैंने ना धुल के ऑलरेडी सुखा के रख चुकी थी, तो वो मैं अभी फिल कर दूंगी। और किचन में जितना सारा थोड़ा बहुत ना फैल गया था, क्योंकि मैं जो सारा धुले हुए बर्तन ना यहीं पर रख रही थी, मतलब जो यहाँ पर सेट करने का बर्तन है वही सारा यहाँ पर स्लैब के ऊपर रखी थी, तो थोड़ा सा मुझे ये, मतलब क्या बोलूँ, कुछ भी रखो स्लैब में तो आगे ही सबसे पहले मैंने उसको साफ़ कर देना है, ये मेरे साथ होता ही है। तो चलो पहले चावल यहाँ पे रिफ़िल कर लेती हूँ, चावल कल रात से आया हुआ है और उसको रिफ़िल करने का ना मुझे टाइम नहीं मिला है। और साथ ही के साथ मैं यहाँ पे ना चाय भी चढ़ा चुकी हूँ, ताकि ऑलरेडी शेखर जी उठ चुके हैं, दादा भी उठ चुका है, तो थोड़ा थोड़ा करके सब वेकअप हो रहा है सबका, तो चाय चढ़ा दूँ तो इकट्ठे चाय भी बन जाएगी मेरी साइड बाय साइड। तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन करना है, और मुझे आज इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी है, क्योंकि संडे का दिन 7:00 तक मेरा ऑलमोस्ट
जो पेंडिंग काम है वो मेरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि बर्तन रिसेट करना और उसको कल रात के जो बर्तन हैं वो डिशवॉशर में लगाना, ये बड़ा एक टास्क है। तो सच में एक टास्क है, क्योंकि आप जब किचन में हाथ के सामने सब कुछ हो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर दूर दूर में हो, चाहे वो एक ही फ्लोर में हो लेकिन आपको घूम घूम के करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा टास्क बन जाता है। मेरे लिए तो होता ही है। तो चलो, मैं यहाँ पे दाल भी रिफिल कर चुकी हूँ, और बस देखिए ये मेरा आदत है, थोड़ा सा कुछ होगा स्लैब में मैं पोंछने लगती हूँ। और ये मेरे हम लोगों की चाय साइड बाय साइड रेडी हो चुकी है, और चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट और लंच का तैयारी करने। एक्चुअली मैं यहाँ पे लंच का ही प्रिपरेशन कर लूँगी डायरेक्टली, क्योंकि ब्रेकफास्ट में एज सच कोई कुछ खाने का मन नहीं है। ब्रेकफास्ट में क्लब कचौड़ी आ गया है, तो यहाँ पे मैं वो बोलना भूल गई थी और वो रिकॉर्ड भी मैं नहीं कर पाई थी। तो इस टाइम तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं की थी, तो सब कोई बोल रहा था कि ब्रेकफास्ट करना है, तो क्लब कचौड़ी आया था, तो सब कोई वही ब्रेकफास्ट हम लोग किए थे। तो मेरा ये फटाफट से लंच बन गया। तो भिंडी मैंने वॉश कर लिया, और वॉश करके मैं इसको थोड़ा सा एक अच्छे साफ कपड़े में इसको थोड़ा पोंछ लूँगी, मतलब जितना पानी है ना। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि भिंडी को धो के सबसे पहले उसको ना एक गीले मतलब सूखा कपड़े से या टावल से या किचन टावल से उसको पोंछ लेती हूँ ताकि भिंडी पूरा सूख जाए, और उसके बाद मैं उसको कट लगाती हूँ सारे भिंडी को। तो मैं सोची थी एक्चुअली ब्रेकफास्ट में ना पराठा और भिंडी बना दूंगी, जो मसाले वाली भिंडी होती है, लेकिन कचौड़ी क्लब कचौड़ी आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये मैं लंच में ही बना देती हूँ। लंच में प्लेन सा भिंडी खाने का मन था सबका, तो पराठे तो मैं बनाई थी, उसके साथ मैं भिंडी बना दूंगी। और बहुत अच्छा एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ एग कोरमा, तो बहुत ही अच्छी बनती है। फिलहाल मैं भिंडी बना रही हूँ, सरसों का तेल में थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, और उसमें मैंने डाल दिया सारी भिंडी, उसमें हल्दी और नमक डाल के बस हाई फ्लेम में इसको भून लेना है बहुत अच्छा से, स्टर दे दे के। तो भिंडी तो 10 मिनट में बन जाती है। बेसिकली भिंडी बनाने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, इस तरह से आप बनाओ तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो वहाँ पर भिंडी बन रही है मेरी, तो यहाँ पर मैं पराठे का आटा लगा लूँगी। बाय द वे, मैं ना पराठा फ्लावर की नहीं बनाती हूँ। मुझे एक सब्सक्राइबर का सवाल आया था कि आप फ्लावर का नहीं बनाती हो पराठा? जी नहीं गाइस, क्योंकि मेरा घर में ना सब कोई फ्लावर अवॉइड करता है, मतलब खाता ही नहीं है कोई फ्लावर का। जो स्मेल होता है ना, जो मैदा का स्मेल, वो हम मतलब मुझे तो पर्सनली पसंद है नहीं, और शेखर जी भी नहीं खाते, उनको अच्छा नहीं लगता, मयंक को भी पसंद नहीं है, तो कोई भी नहीं खाता है, दादा भी नहीं खाते हैं, और मम्मी तो मैदा मना है तो नहीं खाती है। तो बस यहाँ पे मेरी भिंडी रेडी हो गई है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से पराठा बना लूँगी सबके लिए। गर्मा गर्म पराठा बन जाएगा, बस वही घी वाला पराठा जो होता है। ये देखिए मेरा घी का कैन निकल गया है, और मैं घी वाला पराठा बना रही हूँ गर्मा गर्म सा, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी थोड़ी थोड़ी ना मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, तो गर्मा गर्म पराठा भिंडी और एक कोरमा बहुत अच्छा बना था लंच में। लंच सब कोई बोला था कि लंच बहुत अच्छा बना है। तो चलिए पराठे मेरा बन गया सबके लिए, एक्चुअली फुल फैमिली के लिए पराठा यहाँ पे मेरा बन चुके हैं। अब मैं स्विच करूँगी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, भिंडी भी बन चुकी है तो एग की तरफ। एग मैंने बॉयलिंग में लगा दिया था ऑलरेडी, तो चलिए एग मेरा बॉयल्ड हो चुका है यहाँ पे, और इसको ना मैं अभी कट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैं एक को कट लगा लूँगी, सारे एग्स को। तो इससे क्या होता है ना, जब आप मैरिनेट करो, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो इस तरह से अब कट्स लगा लो एग में, तो क्या होगा जब आप मैरिनेट करके रखोगे एग को, तो उसमें मसाले बड़े अच्छे से मतलब अंदर तक जाएगा, और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, उसके साथ थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा इसके साथ अब बेसन भी मिला सकते हो, मैंने नहीं मिलाया है। बस इसको ना मैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको, ये देखिए
हाथों से इसको मैरिनेशन को पूरा कोट कर दूंगी एग्स में। इससे क्या होगा ना कि एग्स में जब आप फ्राई करोगे इसमें कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ एक पैन में, क्योंकि मुझे एग्स को भूनना है बहुत अच्छे से। सबसे पहले ना मैं बिरिस्ता रेडी करूँगी। मैंने 3-4 ऑनियन को इस तरह से कट कर लिया। बड़े साइज़ के ऑनियन नहीं थे इसलिए थोड़ा सा कम आपको नज़र आ रहा है। तो 4 ऑनियन लिया, उसको इस स्टेज तक पका लेना है। अब बेसिकली बिरिस्ता रेडी करना है आपको। आप मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल में भी बिरिस्ता रेडी कर सकते हो। मैं ऑयल थोड़ा कम यूज़ करती हूँ इसलिए ना मैं कम ऑयल में बिरिस्ता रेडी करती हूँ, लेकिन टेस्ट एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। आप कभी इस तरह से तैयार करके देखो तो बहुत अच्छा लगेगा। बस उसमें थोड़ा सा और सरसों का तेल, सेम पैन में, हाँ पैन को वॉश करने का ज़रूरत नहीं है, सेम पैन में मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ, उसके साथ ये खड़े गरम मसाले, और ये जो है ना ये वाइट वाला, इसको बोला जाता है आई थिंक शा मरीच ऐसा कुछ, तो वो आया था गरम मसाले के साथ, मतलब खड़े मसाले के साथ। तो मैंने यहाँ पे लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची नहीं लिया मैंने, जो गोल की होता है मतलब पेपर, ब्लैक पेपर साबुत वाला, वो लिया। बस उसको अब मैं सारे अंडों को इसमें डाल दूंगी ऑयल में, फुल ऑफ फ्लेवर जब भुनेगा ना। पहले खड़े गरम मसाले डालने के बाद अगर आप अंडे को भूनेंगे तो अंडे में एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस अंडे सारे भून चुके हैं मेरे, मैंने उसको साइड कर दिया, दूसरा पैन में निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे 3 ऑनियन को पेस्ट करके रखी थी, मीडियम साइज़ के ऑनियन, सेम पैन में जो ऑयल बचा हुआ था वही ऑयल में मैंने डाल दिया है ऑनियन। इसको अच्छे से हमको पकाना है, बहुत ही अच्छे से पकाना है ताकि इसमें मतलब कलर चेंज हो जाए और प्याज का सारा कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसका तला भी छोड़ने लगा है, मतलब नीचे से चिपकने लगा है, तो पानी सारा ख़त्म हो गया इसमें। बस इस स्टेज में मुझे मिलाना है मलाई, ये है दूध की मलाई जो मैं फेंट के रखी थी पहले से ही, तो उसको मिलाना है। आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास मलाई ना हो तो। बस इसको मिलाना है बड़ा अच्छा से, मतलब मलाई मिलाने के बाद कंटिन्यूसली इसको स्टर देते जाना है, नहीं तो नीचे चिपकने का चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा। और बाय द वे हाई फ्लेम में इसको मत कीजिएगा, इसको लो फ्लेम में अच्छे से पकाइएगा। देखिए उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी बिरिस्ता और जो मैं ऑनियन भून के रखी थी, इसको अच्छे से फिर से स्टर दे दूँगी। बस इसमें अब मैं करूँगी मसाले, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार और उसको पका लूँगी अच्छे से। इसके बाद इसमें हल्दी नहीं जाएगा, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, धनिया खूब सारा 2 बड़े चम्मच, और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और जीरा 1 छोटा चम्मच, और उसके साथ ये अच्छे से पकाएंगे ताकि अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है ना वो निकल जाए, अदरक लहसुन अच्छे से पक जाए। तो चलिए ये अच्छे से पक गया, अब मैं इसमें मिलाऊंगी दही, और दही मिलाने के बाद देखिए इसमें लम्स आ रहा है, तो इसको कंटिन्यूसली पका लीजिए ताकि दही फट ना जाए अंदर में। दही फट जाने से इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल के हाई फ्लेम में दही को अच्छे से पका लीजिए ताकि इसमें उबाल आ जाए, कंटिन्यूसली स्टर देते हुए। इसको अब मतलब अनअटेंडेड मत छोड़िएगा, नहीं तो दही फट जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे उबाल आ गया, मतलब ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी, 2 टेबल स्पून चीनी, और चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से पकाना है। बाय द वे शुगर इसलिए ऐड कीजिए ताकि एक बैलेंस बना रहे खट्टा से, क्योंकि दही डाले हैं हम लोग, तो बस यही करना है आपको, ज़्यादा मीठा नहीं करना है। इसमें डालूंगी हरी मिर्च और उसके साथ हम मिला देंगे ये एग्स जो मैं
फ्राई करके रखी थी। एग्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन दिखने लगे एग्स निकाल लीजिए, ज़्यादा लाल लाल भुनना नहीं पड़ता है। तो चलिए ये डन हो गया, और कुछ नहीं करना है। आप इसमें थोड़ी सी बिरिस्ता डाल दीजिए, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते, हरे धनिए भी डाल सकते, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे यही सिंपल सा एक कोरमा पसंद था रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए इसको 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, और उसके बाद इट्स नाउ रेडी टू सर्व। तो चलिए सर्व कर लेती हूँ एक बॉल में एक कोरमा। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप घर में ज़रूर बनाइए दिस वीकेंड, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। तो चलिए इसके साथ मैं आ गई हूँ आज वीडियो का एंड में, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज टिप्स फॉर न्यू इंडियन मॉम विथ बोरमा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और हाँ, मुझे बताने मत भूलिएगा कि ये रेसिपी और इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।